सो केम छो मजामा ने मैं हूँ प्रीतिश कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम भाई अर्टिगा की बात करेंगे, क्योंकि भाई देखो ब्लैक कलर में क्या माफिया लग रही है, और भाई इसके अंदर भाई माफिया लुकिंग लुक्स भी आ जाती है आपको अच्छी खासी है, स्पेस मिल जाता आपको अच्छा खासा है, माइलेज मिल जाता, बट क्या आपको एक्सेल 6 लेनी चाहिए ऐसे कंपेयर करें, और आपको किया कारण से लेनी चाहिए, उन सारा क्वेश्चन का आपको आंसर ये वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रंट से देखे तो भाई बहुत ही ज्यादा बेहतरीन यहाँ पे अपने को हेडलाइट होती है, और जो की लाइट्स होती है काफ़ी बढ़िया होती है, आपको इनका जो थ्रो है काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और इनके जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो तो भाई क्या ही बात करें। और यहाँ पे अपने को पूरा पूरा येलो सेटिंग मिलते हैं, काश यहाँ पे अपने को भाई वाइट लाइट होती है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता था। और नीचे की तरफ अपने को भाई फॉग लैंप हो गए, एंड इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 185 mm का यहाँ पे अपने को ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और फ्रंट में यहाँ पे जो ब्लैक कलर में जो ग्रिल लग रही है वो काफ़ी बेहतरीन लगती है, क्रोम का जितना भी यूज़ किया गया मारुति में हम देखें तो काफ़ी अच्छा क्रोम का इस्तेमाल हो किया जाता है, बट जो ब्लैक कलर के अंदर जी गाड़ी निकल के आती है वो नेक्स्ट लेवल ही निकल के आती है। और यहाँ पे हम इसका इंजन पावर देखें तो आपको 102 bhp ऑफ पावर एंड 136 nm ऑफ टॉर्क इसके अंदर मिलता है, और आपको 21 की माइलेज भी मिलती है जो वो काफ़ी बढ़िया है, और इसके अंदर आपको भाई CNG का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और कई लोगों को भाई यहाँ पे एक चीज़ होगी कि इसके अंदर आपको डीजल नहीं आता, मारुति में अब डीजल मिलता है नहीं, और जिनको भाई डीजल लेना हो तो उनके लिए भाई सीधी सी चॉइस बन जाती है किया कारेस मठा, उस चीज़ में भी आएंगे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। बाकी यहाँ पे हम साइड से देखें तो इससे जो एलॉय व्हील है देखिए ये है ZXi+ वेरियंट, इसके अंदर आपको भाई पूरी गाड़ी में फीचर लोडेड मिलती है, आपको कहीं पर भी फीचर की कमी नहीं छोड़ी जाती। और इसके हम टायर साइज पे देखें 185/65R15 के यहाँ पे अपने को टायर मिलते हैं, उसकी जो एलॉय व्हील्स की डिज़ाइन है काफ़ी बढ़िया लगती है मुझे, और साइड में अगर जगह ज़्यादा होती मैं दिखा था आपको काफ़ी बढ़िया लगती है साइड में, क्योंकि ब्लैक कलर में ना गाड़ी बड़ी लगती है। और अर्टिगा को कई लोगों ने मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशन करवाते हैं, कई लोग तो भाई इसके जो टायर हो वो नीचे भी करवा देते हैं और इसके अंदर आप ट्यून भी करवाते हैं, तो ये गाड़ी भाई फैमिली की नीड भी पूरी कर देगी और आपकी थोड़ी सी मस्ती भी वो ख़त्म कर सकती है गाड़ी। बाकी यहाँ पर अपने को नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल का यहाँ पे अपने को बैज मिलता है जो 1 साल के लिए वैलिड माना जाता है, यहाँ पे अपने को क्रोम हैंडल्स मिलते हैं, और अपने को ड्राइवर से एंड को ड्राइवर से दोनों तरफ अपने को रिक्वेस्ट सेंसर उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पे अपने को 40 L का फ्यूल टैंक हो गया, पीछे से देखे तो अपना पूरा लुक है वो निकल के आता है, वॉल्वो की लाइट आती है ना वैसी वाली सिमिलर काइंड ऑफ द लुक है ये निकाल देती है। और कई लोग कहते हैं बाइक की जो इनोवा की जो टेल लाइट है उसे कॉपी किया है, बट ऐसा नहीं है भाई, इनोवा वालों ने भी वॉल्वो को कॉपी ही किया है। एंड यहाँ पे अपने पीछे देखे तो अर्टिगा भेज हो गया, यहाँ पर भी अपने को है क्रोम की स्प्लिट प्लेट मिल जाती है, यहाँ पे रियर वाइपर हो गया, इस वजह अपने को रियर वाइपर हो जाता है विद द डिफॉगर, एंड यहाँ पे अपने को स्मार्ट हाइब्रिड बैजिंग उपलब्ध होती है। और मैं बहुत बार भूल चुका हूँ भाई ब्लैक कलर में क्या बढ़िया लग रही है, बट एक्चुअल में लग रही है भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है। एंड यहाँ पे अपने को नीचे की तरफ देखे ना तो यहाँ पे अपने को कंपार्टमेंट भी मिल जाता है, जो आपको कोई सामान बम रखना हो तो आप आराम से रख सकते, देखिए पूरी सीट है ना फोल्ड नहीं हुए फिर भी अपने को इतना स्पेस मिल जाता, आप आराम से ना आप 3-4 लोगों का सामान प्रॉपर रख सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा मोटा सामान ही आ गया, नहीं अब वो आराम से अपना सामान हो यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर देखे तो यहाँ पर क्या, हाँ यहाँ पर अपने को है टूल बॉक्स हो गया, एंड यहाँ पर भी अपने स्पेस मिल जाता, और टायर हो यहाँ पर नीचे की तरफ मिलता है 1 inch अपने को ऑफकोर्स छोटा मिल रहा है यहाँ पर, एंड बैठते हैं अंदर के अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें मिलती है देखिए, पहले तो अपने को ऑल 4 पावर विंडोज होगी, एंड ड्राइवर साइड की जो विंडो अपने को ऑटो डाउन के साथ आएगी, एंड यहाँ पे अपने को जो ओवर विंडो भी अपने को इलेक्ट्रिक वे में एडजस्ट हुई है, यहाँ पे अपने सारे डोर लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं, ये जो ड्राइवर सीट आपको मैन्युअली हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि अपने को इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं आती। बाकी यहाँ पे हम अंदर की तरफ से देखें तो ऐसे कुछ मेजरली कोई चेंज नहीं है, बहुत 1-2 साल हो गए अर्टिगा को लॉन्च होते हुए, बट अभी भी वो सारी चीज़ें रखी गई है, कोई अभी फेसलिफ्ट आता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता था। एंड यहाँ पे हम देखें ना तो ये स्टीयरिंग व्हील है सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं आता,
और क्रूज कंट्रोल हो गया, एंड यहाँ पे अपने को सारे एंटरटेनमेंट स्क्रीन के रिलेटेड कंट्रोल हो गए, एंड यहाँ पे अपने कॉल पिकअप एंड वॉइस कंट्रोल, एंड यहाँ पे अपने को स्पीडोमीटर जो सिमिलर काइंड ऑफ द ऑल मारुति कार्स में हम देखते हैं कि ये ही अपने को स्पीडोमीटर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एवरेज होगी, रेंज होगी, फिर यहाँ पे अपने बैटरी दिखाएगी एंड कहाँ गए बैटरी वाला, मोशन एंड टॉर्क एंड पावर एंड एसएल एंड ब्रेक, हाँ ये रही अपनी को स्मार्ट हाइब्रिड जो सिस्टम है वो यहाँ पर अपने को दिखाएगा कि बैटरी कितनी चार्जिंग और बैटरी और इंजन में से कंबाइंड पावर जा रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ बैटरी से। बाकी यहाँ पे अपने को देखो तो वुडन की फिनिशिंग आती है, नॉट एक्चुअल वुडन, आपको टच करके ही पता चल गया भाई ये तो प्लास्टिक की है, बट हाँ दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता और कहीं ना कहीं भाई जो बिल्ड क्वालिटी है उतनी कुछ खास एक्चुअल में नहीं लगती। आप जैसे डोर बंद करोगे या फिर खोलोगे तो उतना थर्ड होन नहीं मिलता जो अपने को किया कहना इसमें मिल सकती, बट हाँ ये अगर ऐसे आपको 2.5 लाख महंगी भी है अडीगा से तो आप उस चीज़ में कह सकते हैं हाँ भाई वो एक वर्थ इट करती है और ये भाई अपने को अच्छी खासी वैल्यू भी प्रोवाइड करती है। और किया कार इसमें कि आपको भाई फीचर रिच गाड़ी, किया की गाड़ी तो फीचर रिच तो आएगी, उसके अंदर आपको वेंटिलेटर सीट हो गई, सनरूफ हो गए, एंड आपको वाइट प्रोजेक्टर लाइट हो गई, एंड मेनी मोर फीचर्स जो अपने को किया है इसमें मिलते हैं। और सिमिलर काइंड ऑफ द हम कंपेयर करें कि एक्सल 6 में तो देखो पहली चीज़ तो जेड एक्स आई वेरियंट है जो एक्सल 6 के बेस वेरियंट से कंपेयर करता है, कई लोग भाई इसे बेस वेरियंट से कंपेयर करते हैं एक्सल 6 के, तो वो एक फेयर कंपेरिजन नहीं मानता मैं। और हम एक्सल 6 के हम बेस वेरिएंट और इसके जेड एक्स आई वेरिएंट पे भी देखे तो 60,000 का डिफरेंस आता है जो भाई एक्सएल 6 में ज़्यादा है, 60,000 आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अर्टिगा एक टैक्सी फील देती, तो देखो यार कोई भी आदमी बोले कि यार भाई टैक्सी फील देती तो आप उस चीज़ के 60,000 दोगे क्या? नहीं मैं तो नहीं दे पाऊँगा, और उतना प्राइसिंग और भाई देखो 12 लाख समवेयर अराउंड आती है जेड एक्स आई वेरिएंट अर्टिगा, तो कई लोगों को वैसे भी निकल गए भाई 12 लाख तो बहुत महंगे, जो अच्छी चीज़ है भाई अर्टिगा आप बेस वेरिएंट लो, आप अच्छा खासा मॉडिफिकेशन कराओ जो आपको नीडेड है तो आप आराम से इसे एक वर्थ इट बाइंग बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाई एक्सेल 6 और किया करें नॉट द काइंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी, आप अर्टिगा कह सकते हैं कि एकदम भाई वैल्यू फॉर मनी है, आप सारी चीज़ों के एकदम निचोड़ के ना मजाक लेने वाले, तो मेरे हिसाब से तो आपको डेफिनेटली अर्टिगा के ऊपर जाने चाहिए। हाँ इसके अंदर भी कई कमियां हैं भाई, प्लास्टिक क्वालिटी उतनी कुछ खास मुझे नहीं लगी, बाकी आप देखें तो स्पेस वेस तो काफ़ी बढ़िया है। मर्द में एक चीज़ होती है कि भाई 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती, बट एक चीज़ जो हर किसी में होता है भाई, एक आप इंसान में देख लो भाई, आदमी कितना भी भाई ब्रिलियंट हो वो हो बट कोई एक कमी तो होती है, वैसे भाई मारुति में भी होती है कि बिल्ड उतनी खास नहीं मिलती, बाकी सारी चीज़ बढ़िया, माइलेज देख लीजिए या फिर हम स्पेस देख लीजिए या फिर आप इंजन देख लीजिए, पावर देख लीजिए, वो सारी चीज़ें बढ़िया मिलती है। तो यहाँ पे आपको एक पता चली गया होगा भाई कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए, एंड आपको भाई डेफिनेटली चाहिए कि नहीं भाई मुझे तो बिल्ड चाहिए ही चाहिए, आप उस चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बट आप माइलेज हो गए या फिर दूसरी चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, डेफिनेटली आपको किया कहने के ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे अपने को ऑटोमेटिक एसी हो गए, यहाँ पे अपने को टच स्क्रीन हो गए जिसमें आप एप्पल कार पे एंड एंड्रॉइड चला सकते हैं, इसका टच रिस्पॉन्स देखें ना तो थोड़ा सा लगेगी, अब देखिए मैं जैसे यहाँ पे बैक पे क्लिक करूँ थोड़ा सा टाइम लेती है, हाँ देखो थोड़ा सा टाइम लेती है बट हाँ अच्छी खासी चल जाती है। यहाँ पे अपने को एवरेज होगी, फ्यूलेगन होगी, एनर्जी फ्लो होगा, ये सारी चीज़ इसके अंदर दिखाई गई, सर्विस रिमाइंडर भी इसके अंदर आ जाता, पार्किंग लाइट हो गई एंड ऑटोमेटिक जैसे मैंने बताया, यूएसबी पोर्ट हो गया एक, अंदर तल होगा चार्जिंग सॉकेट हो गया, यानी यहाँ पे अपने को फुल ग्लोव बॉक्स तो नहीं आता बट आपको कूल कप होल्डर्स आते जो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी आया, कभी भी मैं यहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक वोल्डिंग रखूँगा तो वो चिल्ड रहेगी, मतलब कि गर्म होगी ठंडी नहीं होगी बट चिल की चिल ही रहेगी। यहाँ पे अपने को हैंड ब्रेक हो गया, एंड ये जो आपने को जो आर्मरेस्ट आता है वो आप एडजस्टेबल कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पे ग्लोव बॉक्स मिले जो छोटा है वैसा कोई आप बड़ा सामान रख नहीं सकते, और चलते भाई पीछे की तरफ, पीछे अपने को कितना स्पेस मिलता है, हियर वी गेट द टू एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड बीच में यहाँ पे अपने को आर्मरेस्ट मिलता है, देखते भाई बीच में अपने को स्पेस कितना मिलता है, देखो भाई इतना सारा अपने को स्पेस मिल जाए, और भाई ये जो दोनों सीट है आप आगे पीछे कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, आपको पूरी एडजस्टमेंट मिले, आप पूरे अपने
सीट के ना हकदार हो कि भाई मुझे ऐसी करनी, तो आपको वैसे कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को भाई चार्जिंग सॉकेट हो गए हैं, या अपने को फोन बुक रखना हो तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऊपर अपने को इवेंट्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे अपने को येलो लाइट है, अगर व्हाइट लाइट है तो मजा आता है। बाकी वैसे आप बाहर से डलवा चाहते हो डलवा दीजिएगा, कोई मेजर इसकी कॉस्ट है वो नहीं आती। बाकी यहाँ पे आप आराम से ना भाई आराम से तीन लोग है पीछे बिठा सकते, कंफर्टेबली बैठेंगे, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में बम्प है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में किया गया है, तो आपसे बैठने में ऐसा तो कोई दिक्कत हो नहीं आने वाली। अब चलते पीछे भाई, पीछे अपने को थर्ड रो में कितना स्पेस मिलता है, एंड यहाँ से अपने को थर्ड रो पे एक्सेस करना होता है, पुल आउट करके आप जा सकते हैं। बाकी बैठते इसके थर्ड रो में, तो पीछे हो जा भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, कितना स्पेस मिलेगा। वैसे इसके पीछे बैठता हूँ कि पीछे अपने को पता चले कितना स्पेस मिला, देखो इतना सा ही स्पेस, एक मेरी उंगलियाँ जा रही है इतना ही अपने को स्पेस मिला। बाकी यहाँ पे अपने को हेडरूम देखते हैं, हेडरूम की कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ी जाती, यहाँ पे आपको अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है। और एक तरफ अपने को जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर अपने को चार्जिंग सॉकेट हो गया था का, बाकी दोनों तरफ अपने को एक एक कप होल्डर मिल जाता है। और ऐसी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हम जाने वाले भाई रोड टू 1000 सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ भाई हमारे अमेजिंग जर्नी में जुड़ जाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे DM कर सकते हैं, स्नैप में मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर सारी जगह पर भाई मैं है ना अपना वीडियो को अपलोड करता हूँ, तो सारी जगह पर भाई मुझे प्यार देते रहेगा। आपने बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यार दिया है अपना, फिर आपने बहुत लाइक भी कर दो वीडियोस, बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, आप लाइक कर देते हैं कमेंट कर देते, बट चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।